सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मकर संक्रांति का त्योहार आज देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व के मौके पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सर्दी के बावजूद श्रद्धालु स्नान और दान कर रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब, भीषण ठंड में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी, त्रिवेणी में स्नान दान कर रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति के दिन से मांगलिक कार्य होते हैं शुरू, योगी सरकार की व्यवस्था की हो रही तारीफ। पूरे देश के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व तीर्थराज प्रयाग में बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग ही छटा इस मौके पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु मां ने गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाई और इस कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि पूरे माघ मास में देवता भी संगम के तट पर आकर वास करते हैं, इसीलिए माघ मास में संगम की रेती पर कल्पवास और स्नान पर्व पर स्नान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु संगम के तट पर त्रिवेणी में स्नान कर गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग आते हैं। संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर स्नान और दान करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में एक माह तक कठिन तप और जप कर रहे हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन किए गए दान पुण्य पूजन अर्चन से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तिल, खिचड़ी, गुड़, वस्त्र और क्षमता अनुसार मुद्रा का दान करने का विशेष महत्व है। वही ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मकर संक्रांति का पूर्ण रूप से स्नान 15 जनवरी को होगा। संगम पर आ रहे श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वही माघ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एटीएस के जवान भी लगाए गए हैं। साथ ही 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से भी पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे से घाटों की निगरानी की जा रही है। जगमग दुधिया एलईडी बल्बों, रंग बिरंगी रोशनियों से संगम की रेती पर तंबुओं का भव्य नगर सजा हुआ है। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की गोद आस्था विश्वास की अनंत बूंदों से भर गई है। ज्ञान की गहरी जड़ों के रूप में विराजित अक्षयवट से लेकर त्रिवेणी, काली और गंगोली शिवाला मार्ग तक संतों, भक्तों, कल्पवासियों के लाल, पीले, नीले हर शिविर सजने के साथ ही माघ मेले की छटा निहारते बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।